सिंपल सी बात है, हम भोजन क्यों करें? बात मैंने वहीं से शुरू की। भोजन किस लिए करना है? डेवलपमेंट के लिए। किस लिए करना है? रिपेयरमेंट के लिए। आपके अंदर कोई बाढ़ की प्रक्रिया चल रही है क्या? नहीं। रिपेयरमेंट के लिए खाएं, यानी जितनी रिपेयरमेंट की ज़रूरत है उतनी खाएं। क्लियर? तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर आप भोजन में शक्ति मान रहे हैं अभी भी, तो आप हमेशा हमेशा क्वांटिटी से अधिक मात्रा में खाएंगे ही, आप अपने को रोक नहीं सकते। तो ये विचार जो है अंदर, उसमें परिवर्तन लाइए। जब तक आप ये सोचेंगे कि भोजन में शक्ति है, भोजन शक्ति का स्रोत है, भोजन से ही जीवन चल रहा है, तब तक आप अधिक खाते रहेंगे, बार बार खाते रहेंगे, गलत चीजें भी खाएंगे और कभी भी मात्रा से अधिक खाएंगे ही। दूसरा पॉइंट लीजिए, भोजन में भोजन शक्ति का स्रोत नहीं है। अगर आपको ये बात सिद्ध हो गई है, शक्ति का एकमात्र स्रोत हमारा प्राण है, प्राण शक्ति है जिससे जीवन चल रहा है, वही ऊर्जा का स्रोत है, और शक्ति बाहर से अंदर डालने में नहीं है, बल्कि अंदर से बाहर स्वयं आती है, उठती है, बहती है। वो शक्ति अंदर से है, क्योंकि हमारे अंदर वैद्यनाथ बैठे हैं, वे आपके परम पिता हैं, और पिता कभी भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहता है। इसलिए जब जब आप भोजन को हाथ में लगाएं, देखें, खाने जाएं, तो इस बात से चेत रहिए कि हमें भोजन उतना ही खाना है जितना कि रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। क्यों खाना है? क्योंकि पंच तत्वों का शरीर है, इसमें कोई भी तत्व अगर कम पड़ गया तो डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए खाएं तो मात्रा आपकी स्वयं ही अपने आप कंट्रोल्ड हो जाएगी। कोई बाहर से कहने वाला आने वाला नहीं है, ये आपके अंदर की चेतना है, आपकी समझ है, आपने यहाँ क्या सीखा वो है, और इन सबको मिलाकर जो आपकी जो वृत्ति बनी है आज, उस पे अगर आप टिके रहे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। क्लियर? मान लीजिए आज हमारे घर में बर्थडे था, किसी का बर्थडे मनाया गया, वैरायटी का खाना था, शादी थी, हमने शादी किया, किसी के आप लोग किटी पार्टी पे जाते हो, ये सारा काम खा लिया आपने। अगले दिन ध्यान रखिए कि आप एक दिन का उपवास कर रहे हैं, अगले दिन या तो सिर्फ जूस पे, और नहीं रहा जाए तो आफ्टरनून में या इवनिंग में फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन पेट पर और अधिक बोझ नहीं डालना है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये आपको छूट दी जाती है इस बात से। इस तरह से क्या होगा कि आप अपने जीवन में बहुत अधिक संतुलित रहेंगे, हर चीज़ का स्वाद भी ले पाएंगे, आपकी स्वाद इंद्रियां जो हैं वो भी एक्टिव रहेंगी, हर तरह के भोजन का आप आनंद ले सकते हैं, साथ ही साथ आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको खुद देखनी है अपने आप। क्लियर? अब कंक्लूड करते हैं इस बात से कि डेली भोजन जो हम कर रहे हैं उसमें क्या, तो रोज के भोजन में जैसे हम यहाँ दे रहे हैं आपको, एक तो बड़ा गैप होना चाहिए, यानी जितना आकाश तत्व आप स्ट्रेच कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद जूस जरूर लीजिए, कोई भी, अगर सर्दियों में कच्चा, ये समझ लीजिए कि सर्दियों में कच्चा जूस लेना आपके एंटीबायोटिक के बराबर है, आपको सर्दी खांसी जुकाम कभी होगा ही नहीं। मोस्टली जैसे ही सर्दियां आती हैं, सबके नाक और गले बिलबिलाने लगते हैं, घी की फैक्ट्री चलने लगती है, और कंपटीशन चलता है कि परिवार में कौन कितना अधिक निकाल सके। तो प्लीज़ वो सब आप, उससे आप एक ही तरीके से बच सकते हैं कि आप हरे पत्तों के रस डेली डेली थोड़ा सा ही, आधा कप ही जाए, लेकिन ज़रूर लीजिए। इससे आपको सर्दी जुकाम खांसी और किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा।